हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हमने किया था ऑपरेशंस किए थे ऑन द रियल नंबर, ठीक है। तो मैंने आपको 6 आइडेंटिटीज़ बताई थी, मैंने बोला था आपको वो लर्न होनी चाहिए ताकि हम अपनी एक्सरसाइज 1.5 कर सके, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 1.5 का, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो ये हम बच्चे बहुत बार कर चुके हैं कि विच आर द रैशनल नंबर्स एंड विच आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो वो आपने देखना है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे सारे के सारे पार्ट्स नहीं करूँगी, मैं सिर्फ दो आपको करके बताऊँगी, बाकी के आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपने याद रखना है, जब भी हम किसी इरेशनल नंबर को प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है, या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो जो उसका आंसर, जो उसकी आउटपुट होती है, दैट विल ऑलवेज इरेशनल, ठीक है, क्योंकि वो नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अगर आप किसी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तब वो क्या देगा, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नंबर आपको देगा आंसर में, तो वो भी क्या बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 - √5, ठीक है। तो देखो, ठीक है, 2 - √5। अब √5 हमें अंडरस्टूड है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.236 अप टू सोन, ये चलता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर है ये, ठीक है। तो हम बोलेंगे, जब हम इसको देखो यहाँ पे माइनस करेंगे, 2 - √5 इज इक्वल टू 2 - मैंने क्या किया, √5 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, -0. जब आप इसको माइनस करेंगे इस तरह से 2.236 अप टू सोन, ये चलता रहेगा, और ये बड़ी वाली टर्म, ये छोटी वाली टर्म हमने लिख दी। अब कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 हम लगाते हैं, अप टू सोन, ये ऐसे चलता रहेगा। जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 0.236, और इसके आगे जो भी डिजिट्स आएंगी वो वैसे की वैसी रहेंगी, ठीक है। अब साइन लगता है बड़े वाले नंबर का, तो बड़े वाले नंबर के साथ क्या है, माइनस साइन है, तो आपके पास रिजल्ट में आया -0.236 अप टू सोन, ठीक है। तो ये भी क्या बन गया, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बन गया, और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो आपके पास नंबर होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो ये होल टर्म क्या बन गई आपके पास, इरेशनल नंबर, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे है 23 √-√23, ठीक। अब देखो बच्चे, यहाँ पे माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाद, दैट मीन्स हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते। अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं होता तो हमने बोलना था कि ये जो 23 है इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो हमने अपना रिजल्ट वैसे निकालना था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये ब्रैकेट को खोल दिया, ठीक है। अब ये प्लस का 23 √ है और ये माइनस का 23 √ है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए, आपके पास बचा 3, और 3 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं दिया डिनोमिनेटर में तो हम उसको 1 ले सकते हैं, तो विच इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म में है, p/q, और q यहाँ पे 0 नहीं है, 1 है, ठीक है। तो हम बोलेंगे दैट इट इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास 2 × √7 / 7 × √7। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये कट जाएगा, आपके पास बचेगा 2/7, ठीक है। तो सेम विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड इट इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स, तो आप इसको भी क्या बोलेंगे, दैट इट इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम करेंगे कैसे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो 2 parts है इसके, नंबर 4 है 1/√2,
ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। और इसका जो फिफ्थ पार्ट है 2 × π, ठीक है, मैं समझा देती हूँ इसको करना कैसे है। अब हमें पता है 1/√2 की वैल्यू क्या आती है, 1.41, ठीक है, समथिंग ये चलता रहेगा इस तरह से। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके ये भी कैसा आएगा, एक इरेशनल नंबर की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व करके देखना है। नेक्स्ट पाई, पाई भी हमें पता है दैट इट इज़ अ इरेशनल नंबर, और 2 के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है। पाई की वैल्यू होती है 3.14 अप टू सोन, ये चलता रहता है। ठीक है, तो आपने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, आपने इनके रिजल्ट्स निकालने हैं, और आपने देखना है कि क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, या टर्मिनेटिंग है, या टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने बताना है दैट दीज टू आर इरेशनल और रैशनल नंबर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।